नमस्कार, मैं अमृता पांडे, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। हर साल की तरह इस साल भी मकर संक्रांति का त्यौहार बिहार में काफी धूमधाम से मनाया जाने वाला है। आपको बता दें कि इसको लेकर तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। आपको बता दें कि यह त्यौहार सिर्फ बिहार में ही नहीं, प्रदेश के और कई राज्यों में मनाए जाते हैं। भले ही इसका नाम अलग अलग है, लेकिन मकर संक्रांति लगभग सभी राज्यों में मनाया जाता है। केरल में इसे पोंगल कहते हैं, तो वहीं गुजरात में इसे उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। लेकिन मकर संक्रांति का पर्व जो है बिहार में काफी खास तरीके से मनाया जाता है और बिहार के लोग इसका महत्व काफी अच्छे से जानते हैं। तो आपको बता दें कि बिहार में मकर संक्रांति का त्यौहार हर साल की तरह इस साल भी 14 या 15 तारीख को मनाया जाएगा। इस दिन विशेषकर लोग गंगा स्नान करते हैं और सूर्य भगवान की पूजा आराधना करते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि मकर संक्रांति के दिन दही चूड़ा के साथ तिलकुट का एक अलग ही महत्व है। लोग स्नान के बाद दही चूड़ा खाते हैं और साथ में तिलकुट भी खाते हैं और कई लोग हैं जो इसका दान भी करते हैं। इसको लेकर पटना में जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। यहीं अगर सुधा डेयरी की बात करें तो पटना में सुधा डेयरी इस बार मकर संक्रांति को लेकर अलग ही तैयारी कर रही है। पटना की सुधा डेयरी मकर संक्रांति पर इस बार 31 लाख लीटर दूध, 9 लाख किलो दही, 20,000 किलो तिलकुट और 25,000 किलो पनीर की आपूर्ति करेगी। सुधा डेयरी के प्रबंध निदेशक रुपेश कुमार के मुताबिक मकर संक्रांति पर्व को लेकर सुधा डेयरी ने अपनी तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि सुधा डेयरी में डेनमार्क के अलावा भारत से निर्मित जोरन से भी दही जमाया जा रहा है। इस बार दही और दूध सहित अन्य सुधा के उत्पादों का पटना में प्रमुख चौक चौराहों पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा राजधानी में कई स्थानों पर रोड मिल्क टैंकरों के जरिए विशेष काउंटरों का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें बोरिंग रोड चौराहा, राजवंशी नगर, हनुमान मंदिर के पास, जगदेव पथ गोलंबर, पीरबहोर थाना के पास, गायघाट पुल के पास और दिनकर गोलंबर के पास भी ऐसे काउंटर लगाए जाएंगे। पीडीपी के प्रबंधक निदेशक ने बताया कि 11 से 14 जनवरी तक सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक दही एक्सप्रेस चलाई जाएगी। साथ ही ग्राहकों की मांग पर दूध, दही और अन्य उत्पादों की आपूर्ति कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि सुधा के उत्पादों की बिक्री पर निगरानी रखने के लिए निरीक्षण दल भी बनाया गया है, जो जगह जगह घूमकर बाजारों में ग्राहकों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए समस्या का समाधान भी करेंगे। निर्धारित रेट से ज्यादा पैसे लेने पर संबंधित एजेंसी पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो आपको बता दें कि 15 तारीख को बिहार में मकर संक्रांति का पर्व जो है हर साल की तरह इस साल भी मनाया जाना है और इसको लेकर पटना की सुधा डेयरी जो है जोर शोर से तैयारी कर रही है। दूध और दही की आपूर्ति जो है इस बार बढ़ा दी गई है। वहीं चौक चौराहे पे इसको काफी मात्रा में उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन दूध दही का एक अलग ही महत्व है। लोग उस दिन नहाने के बाद सूर्य की पूजा आराधना करते हैं और उसके बाद से खाने में लोग दही चूड़ा और तिलकुट का प्रयोग सबसे ज्यादा करते हैं। वहीं कुछ लोग इसका दान भी करते हैं। बात अगर बच्चों की करें तो बच्चे इस दिन काफी उत्साहित रहते हैं और नहाने के बाद दही चूड़ा खाते हैं और उसके बाद से बाहर निकल जाते हैं पतंग को लेकर। मकर संक्रांति के दिन लोग काफी हर्ष उत्साह से पतंग भी उड़ाते हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए द विहार टॉप को फॉलो करें। धन्यवाद।